नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप से संबंधित फ्यूचर रिटेल की, है ना। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर, 14,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए का, 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लॉस यहाँ पर जो फ्यूचर रिटेल की जो आरपी है उसने बताया है कि जो उनके फॉर्मर डायरेक्टर हैं, पुराने डायरेक्टर्स रहे हैं या जो अभी के हैं, इन सब ने मिलके इतना लॉस दिया है क्रिएटर्स को। तो मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, और मतलब क्या कुछ इन्होंने किया है। और आपको पता है कि यहाँ पर सेबी ने अलग फोरेंसिक ऑडिट के लिए बोल रखा है, आरबीआई ने अलग बोल रखा है, सबका चल रहा है मामला। अभी तो उनकी सबकी कुछ रिपोर्ट ही नहीं आई है, अभी तो आरपी ही इतनी सारी चीज़ें पकड़ ले रहा है। तो सारा कुछ जानेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम लोग चार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे, वॉल्यूम पे भी डिस्कशन करेंगे, और जो एक्चुअल न्यूज़ आई है जो इन्होंने इन्फॉर्म किया बीएससी को, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा गाइस, अब मुझे पता बहुत सारे मैसेजेस के मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा है अभी होली वोली के चलते, है ना। तो मैं जल्दी आप सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा, जिनके कमेंट आए हैं मैं सबको रिप्लाई करूँगा, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, वो डिले जरूर हो जाता है लेकिन मैं करता जरूर हूँ रिप्लाई, है ना। दूसरा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से है, आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ काम की न्यूज़ में डालता हूँ, अननेसेसरी चीज़ मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं डालता हूँ, और अपने YouTube वीडियोस के लिंक यहाँ पर शेयर करता हूँ। कई बार YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, FD जिनका है FEL वाला, तो मैं गाइस मुझे पता है बहुत परेशान है आप लोग, मैं जानता हूँ, ठीक है। और अभी इनके आरपी की डिटेल आने चाहिए, रेजोल्यूशन प्लान की जो भी कुछ चीज़ें होंगी मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा, आपको एड्रेस और सब कुछ बताऊँगा कि कहाँ आपको क्लेम करना है, कहाँ भर के भेजना है, सब कुछ आपको बताऊँगा गाइस, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, धैर्य रखिए, सब कुछ आपके सामने लेके आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ देखिए आज की है, आपको दिख रही है फ्यूचर रिटेल, ये देखिए आपको 11 मार्च की। और जबकि मैंने जो इन्होंने बीएससी को इन्फॉर्म किया है, मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कई बार वीडियो बना पाना तुरंत पॉसिबल नहीं होता है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, है ना। फ्यूचर रिटेल डायरेक्टर्स कॉज ₹14,809 करोड़ लॉस टू क्रिएटर्स, आरपी टू एनसीएलटी। यहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने किसको बताया है, एनसीएलटी को बताया है कि भैया जो फ्यूचर रिटेल के डायरेक्टर हैं उनकी वजह से 14,809 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए क्या मामला चल रहा है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ऑन फ्राइडे को सेट इट्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी। तो यहाँ पर भैया फ्यूचर रिटेल ने बताया है किसको, बीएससी और एनएससी को, कि यहाँ पर जो इनकी आरपी है उसने एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन फाइल करी है, डेट किसके अगेंस्ट में, फॉर्मर एंड प्रेजेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर कॉजिंग अ लॉस ऑफ ₹14,809.44 करोड़। बिल्कुल इतने करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, ये बताते हुए फ्यूचर रिटेल के आरपी ने एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन दाखिल करी है, और लॉस किसका, जो क्रिएटर्स हैं उनको लॉस हुआ है। इन द एप्लीकेशन फाइल बिफोर द मुंबई बेंच ऑफ एनसीएलटी द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज सॉट डायरेक्शन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। बिल्कुल यहाँ पर जो एनसीएलटी से आरपी ने डायरेक्शंस मांगे कि भैया हमें गाइड करिए कि हमें जो ये जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, समझ रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर रिटेल्स हैं, कि इनसे ये पैसा कैसे लिया जाए, कैसे हम इसकी वसूली करें, समझ रहे हैं, टू कंट्रीब्यूट द अमाउंट टू द कंपनी। बिल्कुल ये जो कंपनी का इन्होंने इतना बड़ा लॉस कराया है 14,809 करोड़ रुपये का, इसको कैसे हम निकलवाएं, कैसे हम इनसे वसूली करें, कैसे लें। तो यहाँ पर इन्होंने किससे डायरेक्शन मांगी है, एनसीएलटी से। तो अब देखिए इसका क्या एनसीएलटी जवाब देता है, क्या क्या तरीका बताता है, क्या जेल में भी डाल सकता है, व्हाटएवर जो भी है, सामने सारी चीज़ें निकल के आएंगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ये लॉस है एक तरह से पोटेंशियल लॉस है, पोटेंशियल लॉस समझिए आप क्या बोलते हैं, द आरपी हैज क्वांटिफाइड द पोटेंशियल लॉस। पोटेंशियल लॉस मतलब समझिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये जिस तरीके से ये अब फ्यूचर रिटेल को चलाया गया है, अगर इस तरीके से ना चलाया जाता तो इतने रुपये का लॉस ना होता, मतलब अगर सही तरीके से चलाते तो इतने रुपये का लॉस ना होता। जो फ्यूचर रिटेल कंपनी को चलाने का तरीका था उनके डायरेक्टर्स का, वही गलत था, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल लॉस है ये हुआ है 14,809.44 करोड़ का। और यहाँ पर वही सारी न्यूज़ लिखी है जो जिसके बारे में आप जानते हैं, यहाँ फ्यूचर रिटेल को इंसॉल्वेंसी में घसीटा गया था, बैंक ऑफ इंडिया ने केस किया था, जुलाई 2022 में इंसॉल्वेंसी एडमिट हो गई थी, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो जनवरी में जो किशोर बियानी साहब थे उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था, आपको पता है, सस्पेंड फ्रॉम द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ फ्यूचर रिटेल एंड रिजाइन एज चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर किशोर बियानी साहब तो भैया रिजाइन करके निकल लिए थे। गाइस देखिए आप अपने भी व्यूज बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या लगता है, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए अभी इनके जो ऑडिट होने हैं हो रहे हैं, मतलब जो सेबी कर रहा है, जो आरबीआई कर रहा है, अभी उसका कुछ आउटकम नहीं निकल के आया। यहाँ पर फ्यूचर सप्लाई चेन इंसॉल्वेंट हो चुकी है, फ्यूचर रिटेल तो आपको पता ही है जुलाई 22 में ही हो गई थी। और यहाँ पर आपने अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देखिए, जहाँ पर फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड भी इंसॉल्वेंट हो चुकी है। तो 6 में से आप मान के चलिए 3 तो चली गई हैं, फ्यूचर कंज्यूमर बचती है, FMNL बचती है और FLFL बचती है। तो आप देखिए आगे क्या होता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति गंभीर होती जा रही है। मतलब क्या सारी चीज़ें निकल के आएंगी ऑडिट में, उससे पहले तो आरपी इतना सब कुछ पकड़े ले रहा है,
तो देखिए क्या निकल के आता है, बने रहिए फिलहाल तो। और देखिए क्या लास्ट ईयर इन अगस्त स्टॉक मार्केट से, ये देखिए वही है, सेबी ऑर्डर्ड अ फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ फ्यूचर टेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21 और 21-22। तो यहाँ पर सेबी ने ऑडिट के लिए बोल रखा था, आरबीआई ने अलग से कर रखा था। सेबी हैज ऑल्सो आस्क्ड फॉर एन ऑडिट ऑफ फ्यूचर रिटेल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बिल्कुल विथ थ्री फ्यूचर ग्रुप फॉर्म्स, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड एंड फ्यूचर सप्लाई चेन। देखिए तो इनमें से इन तीनों में से दो तो क्या कहते हैं हो ही गई इंस्टॉलमेंट, फ्यूचर एंटरप्राइजेज और फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड। बट यहाँ पर जो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड है उसके ऊपर तलवार लटकती हुई दिख रही है। देखिए आगे क्या होता है गाइज, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13 कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया था, जिसमें अडानी और अंबानी बहुत सारे थे और बहुत सारी हवा बनी थी और अपर सर्किट फिर लगने लगे थे। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो 20 फरवरी लास्ट डेट थी जहाँ पर इनको रेजोल्यूशन प्लान भेजना था, और 20 फरवरी 2023 तक एक भी रेजोल्यूशन प्लान नहीं आया, जो अपडेट मैंने आपको लगातार दी है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, है ना। और देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं, जो पहली बार आते हैं कभी देखने आते हैं या जिनको पीछे का सीक्वेंस नहीं पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे फ्यूचर ग्रुप अपडेट, वहाँ पर केवल आप थंबनेल ही देख लेंगे ना सारे नीचे के, आपको पूरा सीक्वेंस पता चल जाएगा क्या चल रहा है। भले वीडियो मत देखिए, और वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी हो ही जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर 10 मार्च को फ्यूचर रिटेल ने लिखा है किसको, बीएससी और एनएससी को, और यहाँ पर सब्जेक्ट वही इंटीमेशन है जो LODR वो होता है बताने का सारा कुछ नियम कानून, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सब वही नियम कानून लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आप बस ये देख लीजिए अमाउंट कंफर्म कर लीजिए, यही है 14,809.44 करोड़ लॉस एंड हैज सॉट डायरेक्शन अगेंस्ट द रिस्पॉन्डेंट्स टू द सेट एप्लीकेशन टू कंट्रीब्यूट सच अमाउंट टू FRL। यहाँ पर भैया इन्होंने NCLT से डायरेक्शन मांगा है, तो यानी कि जो पीछे न्यूज़ थी फिलहाल वही सारी चीज़ यहाँ पर इसमें लिखी हुई है, कुछ ऐसा अलग से न्यूज़ में नहीं बताया और ना इसमें कोई नई चीज़ इसमें इन्होंने लिखी है। तो अब देखिए क्या NCLT का डिसीजन रहता है और क्या सारी चीज़ें आती हैं। और आपको पता अभी बहुत सारा रायता फैला हुआ फ्यूचर टेल में, जेपी इंफ्रा को देखिए सुरक्षा ने ले लिया उधर, ठीक है, वो मैंने कल वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, 5 साल लग गए हैं उसको कंप्लीट होने में, उसका RP कंप्लीट होने में, है ना, रेजोल्यूशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने में। तो अभी फ्यूचर टेल को तो 1 साल भी नहीं हुआ, जुलाई में हुआ था, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद 1 साल होगा। तो आप समझिए कि क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। बात करेंगे अगर वॉल्यूम को, लेकिन आप ये भी देखिए कितना बढ़िया लोग इसको उठा के घर लेके जा रहे हैं। अब ये कौन लोग उठा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑपरेटर्स तो गेम हर पेनी स्टॉक में करते हैं, आपको पता है, है ना, और कैसे फंसाते हैं भोले भाले जो रिटेलर्स होते हैं आप जैसे हम जैसे लोगों को, आप ये भी जानते हैं, मैंने पीछे भी वीडियो बना के आपको बताया है जिसमें अर्शद वारसी वगैरह पकड़े गए थे। तो आपको भैया सचेत रहना है, जिन्होंने ऊपर ले रखा है कतई लेने की गलती नहीं करेंगे, ये जो लोग भी हैं उठा रहे हैं उनको उठाने दीजिए, ऑपरेटर्स उठा रहे हैं उठाने दीजिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एटलीस्ट समझ जाइए, चाहे वो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज हो चाहे वो रिलायंस कैपिटल हो, आपको समझना होगा कि यहाँ पर जब इंसॉल्वेंसी चल रही है तो यहाँ पर क्या इसका हर्षर होने वाला है। कैसे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज आप देखिए गायब हो गया, आपको नहीं दिखेगा, आप सर्च करेंगे ना BSE NSE पे तो कहीं नहीं दिखने वाला वो। तो अब ये समझिए आपको, बाकी यस्टरडे की बात करेंगे तो 18 लाख का वॉल्यूम जनरेट कर रहा है यस्टरडे, यानी कि बृहस्पतिवार की बात है, और ये आप देख रहे हैं शुक्रवार की बात है। तो 2 ही दिन में देखिए अच्छे खासे यहाँ पर शेयर उठाए जा रहे हैं, 1 वीक एवरेज देखिए अभी 17 लाख का है, और आपको अभी पता है कि IRP की स्टेज ये 1 से बाहर आया है और 0 में आया है। और मैंने जब ये इसमें चल रहा था ना, तो मैंने उसी समय जब शायद 1 महीने पहले के करीब जो भी वीडियो मैंने बनाया था लेटेस्ट अपडेट जो दी थी उसमें बताया था कि अब की जब ये IRP स्टेज 1 से बाहर आएगा ना, तो आपको लगातार अपर सर्किट देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपको लगातार अपर सर्किट एक बार देखने को नहीं मिले हैं, और यहाँ पर और गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो अभी 2.5 रुपये पर आप मानेंगे नहीं, अभी ये 2 रुपये हो सकता है, 1.5 रुपये और 1 रुपये पर भी आता हुआ आपको नज़र आ सकता है, और ये इसी के बीच में फिलहाल झूलने वाला है। कोई किस्मत की बात हो भले कि हाँ भैया आपने 2.5 रुपये पर उठा लिया और यहाँ पर 1-2 अपर सर्किट मार दिए, और 2.5 रुपये पर उठाने के बाद आप बेच के निकल जाएँ 2.75 रुपये पर, 80 पैसे पे, 3 रुपये पे, या आपकी किस्मत हो सकती है, साथ एक बार दे सकती है लेकिन बार बार आपका साथ नहीं देगी, ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट है, आपको शेयर मार्केट को एक बिजनेस के तरीके ही लेके चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे RSI तो 33.11 फिलहाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना हुआ है। तो गाइस आपको सारी चीज़ें आशा करता हूँ समझ में आती होंगी जो मैं बताता हूँ, जो बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है वीडियो को यहाँ तक बहुत कम लोग देखने आते हैं, लेकिन जो लोग देखने आते हैं उनको यहीं पर ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो आपने जिन्होंने ऊपर ले रखा है गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के एवरेज मत करिएगा, नए लोग इसमें एंट्री बनाने की कोशिश कतई मत करिएगा, पूरे पैसे आपके डूब जाएंगे, जैसा कि सिंटेक्स इंडस्ट्री वगैरह में हुआ है, जेपी इंफ्रा में हो रहा है, सबको उनको डिलीट कर दिया गया है और कुछ भी हाथ नहीं आया है जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हाथ में, है ना गाइस। चलिए गाइस आशा करता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ में आती होंगी और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ गाइस मैं बता दूं आपको कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई मत करिए। और अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एस्प्रेसो बाय शेयर खान और रिलायंस ब्लू किसी में भी आप खुलवाना चाहें तो खुलवा सकते हैं। चलिए गाइस धन्यवाद।